हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी और स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम हमारे यूजीसी नेट पेपर टू कॉमर्स के लिए जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, इसका डे वन का हमारे जो टॉप 30 क्वेश्चंस है वो हम कल की वीडियो में कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड आज हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में जो आए हुए हैं उन्हीं को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट लाइव आइए, जुड़िए हमारे साथ, तो फिर आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? चलिए आइए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल्स एट स्मॉल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल्स एट लार्जर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो हमारी यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, यू शेप जो हमारी क्या है, यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, वो कॉस्ट कर्व की क्या अजम्पशन है, वो अजम्पशन लेके चलते कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल्स एट स्मॉल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जो हमें इकोनॉमीज मिलती हैं वो हमें कब मिलती है, एट स्मॉल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल्स एट लार्जर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। राइट, बिल्कुल ठीक है। ये हमारी जो, हाँ, इसमें कहा गया है कि हमारा जो यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो हमारा किस अजम्पशन पे बेस करता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल्स एट स्मॉल लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रिवेल्स एट लार्जर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है ये बात। अब हम पढ़ते हैं इसका रीजन क्या दिया गया है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अराइजेस प्राइमरली बिकॉज एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस एंड इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट टू मैनेज द फर्म इफेक्टिवली, कि अगर हमारा जो डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल है वो कब होते हैं, प्राइमरली जब स्केल ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ाया जाए। जब हम क्या करते हैं, अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ाते हैं तो हमारे, हमें क्या मिलते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इट बिकम्स, क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि हमें फर्म को इफेक्टिवली मैनेज करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आर इसकी राइट एक्सप्लेनेशन है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन आर इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन, ए इज़ करेक्ट एट आर, आर इज़ नॉट करेक्ट एंड बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, ये दोनों के दोनों नहीं हैं। तो इसका आंसर है क्योंकि दोनों की जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल ठीक है लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करती है, क्योंकि ये हमारी किसके बारे में है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को डिफाइन कर रही है और ये स्टेटमेंट हमारी किसको डिफाइन कर रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स। तो ये एक्सप्लेन जो हमारा रीजन में दिया गया, जो स्टेटमेंट हमारी रीजन में दी गई, ये स्टेटमेंट हमारी इसको एक्सप्लेन नहीं करती है, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा आंसर टू, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो वो हमारी ठीक तो है लेकिन जो आर है वो ए को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता है। तो योर आंसर इज सेकेंड, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग ए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग लिस्ट। हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में मैचिंग लिस्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हमारे रहते ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके लिए ये क्वेश्चंस आपके इस तरह के होते हैं कि अगर आपको इनमें से एक लिस्ट का भी पता है तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको चारों के चार, जितने भी पूरे की पूरी लिस्ट को मैच करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा क्या है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट मैनेजीरियल यूटिलिटी फंक्शन सेटिस्फाइंग बिहेवियर एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ये आपके पास हाइपोथेसिस गिवन है, बायमोल्स हाइपोथेसिस, मैरिस हाइपोथेसिस, विलियमसन एंड सिरेट मार्च। तो हमारी जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो किसने दी थी, बामोल ने, जो बामोल है उसने क्या दिया था, हमारी सेल्स मैक्सिमाइजेशन की जो अप्रोच है वो किसने दी थी, बामोल ने। तो डी का है हमारा फर्स्ट, डी का फर्स्ट हमारा एक ही में है इसमें,
डी का फर्स्ट हमारा किस ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में या फर्स्ट ऑप्शन में, तो यही आपका क्या होगा करेक्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ आपको एक चीज़ भी अगर पता है तो आप पूरी की पूरी लिस्ट को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि अब इस क्वेश्चन में क्या डी का क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका डी क्या है, सिर्फ ए की में गिवन है, तो आपका 100% जो आंसर है वो ए ही रहेगा। ए का आपका क्या है, सेकंड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ किसने दिया गया था हमें, मैरिज हाइपोथेसिस। गुड आफ्टरनून जी कुशल मिश्रा, गुड आफ्टरनून। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म ग्रोथ रेट किसने दिया था, मैरिस ने। मैनेजीरियल यूटिलिटी फंक्शन हमारी दी थी विलियमसन ने। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट मैरिस, मैनेजीरियल यूटिलिटी फंक्शन विलियमसन, सेटिस्फाइंग बिहेवियर हमारा सीरेट मार्श और सेल्स मैक्सिमाइजेशन हमारा बामोल ने। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, कि इनमें से किस सिचुएशन में द डिसीजन आउटकम ऑन इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वेरी अंडर एनपीवी एंड आईआरआर मेथड्स, कि इनमें से किस सिचुएशन में एनपीवी और आईआरआर के मेथड में हमारा जो डिसीजन है वो क्या होता है, वेरी करता है। इनमें से किस सिचुएशन में हम जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, जो इवेल्युएशन करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा की एनपीवी और आईआरआर के मेथड में हमारा किस पे क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। टाइम डिस्पैरिटी, कॉस्ट, लाइफ एंड वॉल्यूम। देखो गाइज, जो हमारा एनपीवी रूल होता है और जो हमारा IRR रूल होता है, ये दोनों के दोनों जो रूल है वो हमारा किसके लिए होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्राइटेरिया है ये। कोई भी हमें बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, मशीनरी वगैरह कुछ भी परचेज करनी है, उसके रिगार्डिंग हमें डिसीजन लेना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्राइटेरिया है, इनके बेस पर हम किसी भी मशीनरी में कहीं पर भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एनपीवी और आईआर ये क्या है, दोनों सेम है, लेकिन किन के रिगार्डिंग हमारी क्या है, हमारा जो डिसीजन है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टाइम अगर अलग अलग है कि एक मशीनरी है वो आपको 5 साल दे रही है, दूसरी मशीनरी आपको 10 साल में रिटर्न दे रही है, तो इन टाइम अगर दोनों अलग अलग हैं तो एनपीवी आपको अलग रिजल्ट्स देगा और आईआरआर आपको अलग रिजल्ट्स देगा, बिल्कुल सही है ये। कॉस्ट डिस्पैरिटी की जो इन्वेस्टमेंट है, कि एक मशीन में आपको 5 लाख इन्वेस्टमेंट करनी है, दूसरी मशीन में आपको 10 लाख इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर वो कॉस्ट भी आपकी के जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो भी अगर आपकी अलग अलग है तो भी एनपीवी और आईआरआर आपको क्या करेंगे, डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। लाइफ डिस्पैरिटी, एक मशीन आपकी 5 साल काम करने वाली है, एक मशीनरी आपकी 10 साल काम करने वाली है, तो वहाँ पर भी हमारे जो एनपीवी और आईआरआर दोनों के दोनों हमारे क्या करेंगे, हमें अलग अलग डिसीजन प्रोवाइड करेंगे। तो ए बी एंड सी, वॉल्यूम का कुछ नहीं है, वॉल्यूम क्योंकि एनपीवी और आईआरआर दोनों मेथड्स में वॉल्यूम का कुछ नहीं रहता, तो इसलिए टाइम, कॉस्ट और लाइफ अगर हमारी डिफरेंट होगी तो उसके बेसिस पे एनपीवी और आईआरआर दोनों के दोनों मेथड जो हैं वो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट डिसीजंस के लिए हमें रिजल्ट्स देंगे। तो आपका आंसर है ए बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन, ए बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर, ए बी एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। बिल्कुल सही है ये, कि अगर हमने हमारी क्लास में भी जो हम यूट्यूब के थ्रू आपको आप तक जो UGC नेट की क्लास जाती है उसके रिगार्डिंग भी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज को करवाया है, और उसमें हमने यही बताया था कि जो नेट इनकम अप्रोच है वो नेट इनकम अप्रोच जो है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को क्या लेके चलते, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्या है, रेलिवेंट है, कि इसके करने से एक फर्म अगर अपने क्या करती है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, अपने डेट इक्विटी रेशियो में चेंज करते हैं तो वो अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकते हैं और अपनी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उसको बढ़ा सकती है। तो इसलिए जो हमारी फर्स्ट इसमें जो असर्शन दिया गया कि नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो क्या है, रेलिवेंट है, बिल्कुल सही बात की गई। गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। तो
बढ़ते हैं आगे, आगे है हमारा रीजन। रीजन में क्या गया है, अ फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड इट्स टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लीवरेज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, ये भी इसमें भी यही आपका कहा गया है। फर्स्ट में क्या है कि जो नेट इनकम अप्रोच है वो क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आपका क्या है, रेलिवेंट है, बिल्कुल सही है। और सेकंड में क्या गया है, क्यों है नेट इनकम अप्रोच, क्योंकि फर्म क्या है अपने टोटल वैल्यू और अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, अगर वो अपने डिग्री ऑफ लीवरेज में क्या करे, चेंज करे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है और आर क्या है आपकी ए को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका इसका करेक्ट रहेगा, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बढ़िया, कमेंट करो फटाफट आंसर्स, आपके क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अपने जो आंसर्स हैं उनको कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है और फिर हम वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को करते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल देखो कि नेट इनकम अप्रोच है वो क्या कह रही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, रेलिवेंट होते हैं फॉर्म के लिए और क्यों होते हैं, क्योंकि फर्म उसको अपने अपनी टोटल वैल्यू और अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज कर सकते हैं, अपनी डिग्री ऑफ लीवरेज को चेंज करके। बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग लिस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग लिस्ट। इसमें हमसे पूछा गया नेट इनकम अप्रोच होती है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर, नेट इनकम अप्रोच हमारी किस में आती है, कैपिटल स्ट्रक्चर में। गोल्डन मॉडल आता है हमारा डिविडेंड थ्योरी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है हमारी कैपिटल बस्टिंग और रीऑर्डर लेवल आता है हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेट इनकम अप्रोच होती है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, गोल्डन मॉडल होता है हमारा डिविडेंड थ्योरी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारी कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड और रीऑर्डर लेवल हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो दिस इज योर द करेक्ट आंसर, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी स्वैप इज अ मेथड ऑफ, करेंसी स्वैप किसे कहते हैं, करेंसी स्वैप इज अ मेथड ऑफ हेजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, स्पेक्यूलेटिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, लिवरेज इन्वेस्टमेंट यूज बाय कोऑपरेटिव बैंक एंड मोड ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, अपना आंसर कमेंट करके बताओ कि करेंसी स्वैप क्या होता है, करेंसी स्वैप इज अ मेथड ऑफ, करेंसी स्वैप इज अ मेथड ऑफ हैजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, स्पेक्यूलेटिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, लिवरेज इंस्ट्रूमेंट यूज बाय कोऑपरेटिव एंड मोड ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। हरी अप स्टूडेंट्स, कमेंट फास्ट। तो इसका आंसर है आपका करेंसी स्वैप क्या है, आपका हेजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कि जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है उससे आपको क्या करता है, ये हेज करता है करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप। ललिता यादव इज सेइंग टू, नो स्पेक्यूलेटिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, नो नो नो, करेंसी स्वैप क्या होता है, हेजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेन में एक्सचेंज करने से आपको जो रिस्क बियर करना है उस रिस्क के अगेंस्ट आपको क्या करता है, ये एक हेज प्रोवाइड करता है। करेंसी स्वैप क्या प्रोवाइड करता है, आपको एक हेज प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के। कविता कुमारी का बिल्कुल सही आंसर आया, आंसर वन, वेल डन, वेल डन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज डिसीजन कम इन द एम्बिट ऑफ, कि कैपिटल स्ट्रक्चर और जो लिवरेज डिसीजन है वो हमारे कौन से डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन।
हरी अब स्टूडेंट, बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा ये क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्या कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है और लिवरेज है वो हमारे किस टाइप के डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। फटाफट स्टूडेंट्स हरी अब कमेंट करके फटाफट देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। लेट्स सी, चलो मैं ही बताती हूँ इसका आंसर है। आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर और जो लिवरेज डिसीजन है वो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, वो होते हैं आपके फाइनेंसिंग डिसीजन। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या डिसाइड करते हैं कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, यानी कि जो हमारी कैपिटल है उसमें से कितना पार्ट हम शेयर को इशू करके लेंगे, कितना पार्ट हम प्रेफरेंस शेयर को इशू करके लेंगे और कितना पार्ट हम थर्ड पार्टी से एज अ लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक वालों से लोन के फॉर्म में लेंगे। तो यानी कि हमें क्या करना है, फाइनेंस कहाँ कहाँ से जनरेट करना है, फाइनेंस हम कहाँ कहाँ से इकट्ठा करेंगे, ये डिसीजन हमारे किस में आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज डिसीजन हमारे किस में आते हैं, फाइनेंस, कि हमें जो हमारा फाइनेंस है बिजनेस के लिए हमें जो फाइनेंस कलेक्ट करना है वो फाइनेंस हमें कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है, दैट इज योर फाइनेंसिंग डिसीजंस। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा मिलर और मॉडल इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट। मिलर और मॉडल हमारा किस में यूज किया जाता है, मिलर और इन्वेंटरी में, लिवरेज में, रिसीवेबल्स में या कैश में। जो मिलर और मॉडल है वो हमारा किस में यूज किया जाता है, कैश में। कैश मैनेजमेंट के लिए हम कौन से मॉडल को यूज करते हैं, मिलर और मॉडल को। मिलर और मॉडल हमारा किस में यूज किया जाता है, हमारे कैश के रिगार्डिंग, कैश मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ रहा है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे मोस्टली क्वेश्चन आज की हमारे पास आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज सुटेबल फॉर रिस्क रिटर्न एनालिसिस इन फाइनेंशियल डिसीजन। कि हमारे जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उन फाइनेंशियल डिसीजन में रिस्क रिटर्न एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट एनालिसिस कौन सा है, रिस्क और रिटर्न के एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट हमारा जो क्या है डिसीजन, कौन सा सबसे बेस्ट एनालिसिस है किसके लिए, रिस्क और रिटर्न के लिए। CAPM, SWOT, कैपिटल गियरिंग एंड EVA। तो जब भी गाइस आपसे रिस्क और रिटर्न के बारे में पूछा जाए, गुड इवनिंग शिल्पी, आई एम वेरी वेल, बहुत बढ़िया आप सबके सामने ही हूँ। बिल्कुल मधु का आंसर है, ललिता का आंसर है, CAPM एनालिसिस, बिल्कुल बहुत सही। जब भी रिस्क और रिटर्न की बात की जाए तो वहाँ पर आप समझ जाओ कि CAPM एनालिसिस, CAPM की फुल फॉर्म है हमारी कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। CAPM की फुल फॉर्म बताओ गाइस क्या होती है, CAPM की फुल फॉर्म कैपिटल एसेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैपिटल एसेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैपिटल एसेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो CAPM, CAPM जहाँ पर भी रिस्क और रिटर्न की बात की जाए वहाँ पर आप समझ जाना कि CAPM एनालिसिस की बात हो रही है, CAPM की बात हो रही है। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 items is 50. If each item is increased by 5, then new arithmetic mean would be. कि अगर capital asset pricing model, okay, let's see. बिल्कुल सही जवाब है capital asset pricing model. कैपिटल एसेट प्राइसिंग, CAPM की हमारी फुल फॉर्म है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। मैंने जान पूछ के आपको गलत कहा ताकि मैं पता कर सकूँ कि आप लोग मुझे सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो, आप मुझे अच्छे से देख रहे हो, सुन रहे हो कि मैडम क्या कह रही है, वो सही भी कह रही है या नहीं कह रही है। दैट्स वाई मैंने CAPM की जो फुल फॉर्म है उसको थोड़ा
चेंज करके आपको गलत बताया कि कैपिटल एसेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बट द राइट आंसर इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इससे पता चलता है कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो कि टीचर हमें क्या पढ़ा रही है और क्या बता रही है। वेल डन गाइस, सिर्फ आप लोगों का ध्यान चेकआउट करने के लिए कि आप लोग का ध्यान है या नहीं कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, उसके लिए मैंने जो CAPM है उसकी जो फुल फॉर्म है उसको गलत बताया था। ओके गाइस, तो बिल्कुल आपकी CAPM की जो फुल फॉर्म है वो होती है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम्स, 10 आइटम्स इज कितना है आपका, 50 है, यानी कि आपका जो मीन है वो कितना दिया हुआ है, 50। इफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 5, कि अगर हम हर आइटम को क्या करें, इंक्रीज कर दे 5 से, तो नया अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। मधु का बिल्कुल सही आंसर आया है, लेकिन वो आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या है। देखो क्या है, हमारी जो अर्थमेटिक मीन है ना, उसको कैलकुलेट करने की हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है, और उन्हीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थमेटिक मीन की हमारे पास क्या कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और उन प्रॉपर्टीज में से ही एक प्रॉपर्टीज है क्या, कि अगर आपका जो भी अर्थमेटिक मीन है, जो भी आपका क्या है अर्थमेटिक मीन है, अगर आप उसमें कुछ भी क्या करते हो, प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, या उसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो, जितना भी आपका अर्थमेटिक मीन है, उस अर्थमेटिक मीन में आप जितनी भी अमाउंट क्या करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका अर्थमेटिक मीन भी सेम उतनी ही अमाउंट से क्या हो जाएगा, प्लस करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा, माइनस करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, हमारी अर्थमेटिक मीन बिल्कुल सही, ललिता यादव का भी बिल्कुल सही है, सेकंड उत्कर्ष भी कह रहे हैं 55 होना चाहिए, बिल्कुल सही है, आंसर आपका बिल्कुल 55 ही आएगा। लेकिन उसको वो आएगा कैसे वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमारी अर्थमेटिक मीन की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि जितना भी आपका अर्थमेटिक मीन है, उस अर्थमेटिक मीन में आप जितना भी एडिशन करोगे, जिस अमाउंट से करोगे, अगर आप अर्थमेटिक मीन, अगर मान लो जैसे अभी इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं कि अर्थमेटिक मीन अगर आपका क्या है 50 है, तो अगर आप उसमें क्या करते हो, 5 प्लस करते हो, या 5 माइनस करते हो, या फिर 5 से आप इसकी क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, या फिर 5 को आप इसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो जो आपका अर्थमेटिक मीन है, ये सब करने के बाद वही आएगा, अगर 5 को ऐड किया है तो आपका हो जाएगा 55, अगर 5 माइनस करोगे तो आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 45, अगर 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा 250, और 50 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा आपका 10। जी ठीक है जी, बिल्कुल हिंदी भी लेकर चलेंगे, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, और हिंदी को हम क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि जो भी हमारा अर्थमेटिक मीन है, जो भी हमारा एवरेज है, जो भी हमारा माध्य है, अगर उस माध्य में हम किसी भी अमाउंट को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या डिवाइड करते हैं, तो हमारा माध्य भी सेम उतनी ही अमाउंट से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि 50 है, और हर आइटम को अगर हम 5 से बढ़ा दें तो हमारा जो नया मीन है वो क्या होगा, 55, क्या होगा वो हमारा 55, 55 इज योर करेक्ट आंसर, 55 इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ टू रिग्रेशन कोफिशियंट्स आर 0.8 एंड 0.2, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज, हमसे क्या है रिग्रेशन कोफिशियंट दे दिए, बी एक्स वाई जो हमारे रिग्रेशन कोफिशियंट है, जो रिग्रेशन कोफिशियंट हम उसको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स से डिनोट करते हैं, तो वो हमें गिवन है -0.8 एंड -0.2। तो हमसे क्या पूछा गया, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन हमसे पूछा गया है, आर आर हम आर की हमारी एक प्रॉपर्टी है क्या,
बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स को अगर आप क्या करो अंडर रूट करते हो, अगर आप क्या करो हाँ जी पीजीटी के लिए भी आपकी ये क्लास बिल्कुल बेनिफिटेड, टीचिंग लेवल का आपका कोई भी एग्जाम हो ऑल ओवर इंडिया, टीचिंग लेवल का कोई भी एग्जाम चाहे वो पीजीटी हो किसी भी स्टेट का आपका टीचिंग का एग्जाम हो जो उस स्टेट के द्वारा किया जाता है, या आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप वो कॉमर्स से रिलेटेड है तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल 110% क्या है बेनिफिशियल है। तो हमारे ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट गिवन है -0.8 एंड -0.2 और आपसे क्या पूछा गया वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर से, और ये अगर हम और जो हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसको हम डिनोट करते हैं बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ठीक है। तो हमारी एक प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या कहती है बी वाई एक्स इंटू बी वाई एक्स की अगर आप मल्टी इसका क्या करो अंडर रूट करो तो वो आपका किसके इक्वल होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू रिग्रेशन मल्टीप्लाई ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपके क्या हैं -0.8 एंड -0.2, दोनों का आपका क्या आ गया -0.16 का अगर आप अंडर रूट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0.40 माइनस का, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, फोर्थ इज योर करेक्ट। वेलकम 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 स्टूडेंट्स वेलकम। यहाँ पर हम आप सबको सिर्फ एडवाइस देने के लिए, आपको सजेशंस देने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए हम आपके लिए जो YouTube आपको जो टीचर्स अड्डा पे आपके जो भी वीडियोस आती है वो हम आप सभी स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, उनको बताने के लिए ही होती है। तो इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है जी। हमारा टाइम है 2:30 एंड 4:30 लाइव आने का, जो हमारा टाइम है डेली 2:30 एंड 4:30। 2:30 पे हमारी जर्नल पेपर की क्लास रहती है और 4:30 पे हमारी जो कॉमर्स है उसकी क्लास रहती है। 2:30 एंड 4:30 तो आपका करेक्ट आंसर है -40। मधु जी ने आंसर दिया है आंसर थर्ड आपका 0.40 तो ठीक है लेकिन वो प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस और माइनस का अगर आप अंडर रूट करोगे तो वो माइनस ही रहेगा, वो कभी भी प्लस में कन्वर्ट आपका नहीं होगा। वैसे तो हमारी क्या है कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें, लेकिन अंडर रूट के टर्म्स में माइनस माइनस हमारे प्लस नहीं होते हैं, जो माइनस है वो आपका माइनस ही रहेगा। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर है -40। क्या आंसर रहेगा? -40 नॉट प्लस, वो प्लस नहीं होंगे। यही इस क्वेश्चन में देखो यही गड़बड़ है, यूजीसी ने जानबूझ के कि स्टूडेंट्स गलती करेंगे कि माइनस माइनस प्लस होते हैं वो प्लस को डाल लेंगे, तभी उन्होंने प्लस को डाला। लेकिन हमारी एक प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट की कि अगर आप जो साइन आपका क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, जो साइन आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट का होता है वही सेम साइन आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट का रहता है। वैसे तो हमारे जो माइनस और माइनस है वो प्लस होते हैं, अगर हम क्या करें माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो डेफिनेटली प्लस होता है। लेकिन हमारी कोरिलेशन कोफिशिएंट की एक प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो साइन आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट के होते हैं, जो साइन आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट के होते हैं वही सेम साइन आपका किसका होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का। इसी वजह से कि अगर यहाँ पर माइनस है यहाँ भी माइनस है तो इन दोनों का जो साइन है वो यहाँ पर आपका माइनस ही रहेगा, वो साइन आपका क्या है माइनस ही रहेगा, वो आपका प्लस में पॉजिटिव नहीं होगा। ये हमारी कोरिलेशन कोफिशिएंट की एक प्रॉपर्टी है, वो कहती है कि अगर आपकी जो साइन आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट के वही सेम साइन आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट के रहेंगे। तो इस वजह से इसका आंसर रहेगा -40। -40 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पज एवरेज, कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन है, जो हमारा माध्य है जी, लेक्चर भी रहेंगे और एमसीक्यू भी रहेंगे, क्लास दोनों की रहेगी, एमसीक्यूज भी होते हैं और लेक्चर भी होता है, दोनों क्लासेस रहती है, एमसीक्यूज भी और लेक्चर भी, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यूज करके भी हम एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते और सिर्फ लेक्चर करके भी हम किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो लेक्चर प्लस एमसीक्यूज दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तभी इसीलिए आपके एग्ज़ाम में भी क्या है, आपका सेम यही रहेगा, लेक्चर भी रहेंगे और आपके एमसीक्यूज भी रहेंगे, लेक्चर भी रहेंगे और एमसीक्यूज भी रहेंगे। स्टूडेंट्स के आंसर्स आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है। अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पज एवरेज, बिल्कुल सही है ये। मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड पोजिशनल एवरेज, ये भी बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मधु का भी बिल्कुल सही है, प्रवेश गौतम बिल्कुल सही, अलाहाबाद हब बिल्कुल सही। फर्स्ट आंसर इज योर करेक्ट, बहुत ही स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। नहीं, उत्कर्ष कह रहे हैं फोर्थ, उत्कर्ष कह रहे हैं फोर्थ, फोर्थ नहीं है जी। मीडियन और मोड आपके पोजिशनल एवरेज होते हैं, मीडियन और मोड आपके क्या है, पोजिशनल एवरेज होते हैं। पोजिशनल एवरेज कैसे हैं, क्योंकि जो मीडियन है, मीडियन में हम क्या करते हैं, कोई भी आइटम है जैसे 2, 4, 6, 8 हमने ये लिया और 10, ठीक है, फिर हम इसमें क्या करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मीडियन को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है N+1/2 आइटम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, तो अब ये कितनी आइटम है, 1, 2, 3, 4, 5, 5+6/2, 5+1 सॉरी, इक्वल टू 6/2, 3, यानी कि आपकी क्या हो गई, थर्ड आइटम। तो मीडियन आपका क्या है, थर्ड आइटम है, मीडियन आपका क्या है, थर्ड आइटम, कि जो थर्ड नंबर पे है, जो आपका क्या है, थर्ड नंबर पे है, वो आपको क्या बता रही है, आपका मीडियन है, तो ये आपको क्या बता रही है, थर्ड आइटम। आपका जो मीडियन है कैलकुलेट करके, वो क्या है, थर्ड आइटम। थर्ड आइटम आपको क्या बता रही है, कि ये क्या है, पोजीशन। ये आपको क्या बता रही है, पोजीशन बता रही है। उसने ये नहीं बताया कि 6 आपका मीडियन है, उसने क्या बताई है, पोजीशन बताई है, कि जो भी थर्ड नंबर पे है वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो मीडियन क्या है, आपका एक पोजीशनल एवरेज है। उसी तरह से जो मोड है, मोड भी हमारा क्या है, एक पोजीशनल एवरेज है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है, ये भी हमारी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। समझ में आया उत्कर्ष, कि आंसर फोर्थ क्यों नहीं है, क्योंकि मीडियन और मोड दोनों के दोनों हमारे क्या है, पोजिशनल एवरेज हैं, क्योंकि ये हमें पोजीशन के बारे में बताते हैं, राइट करेक्ट आंसर नहीं बताते, सीधा ये नहीं बताएंगे कि जो 6 है वो हमारा मीडियन है, बल्कि हमें क्या बताएंगे, आइटम बताएंगे, कि इनमें से कौन सी आइटम हमारी क्या है, पोजीशन बताएंगे, कि कौन सी पोजीशन वाला हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है या हमारी मीडियन है। आई होप उत्कर्ष आपको समझ आएगा कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेन तो हमारा ऑल पर्पज़ होता है, बिल्कुल सही है, और जो मीडियन और मोड है ना, वो भी हमारे क्या है, पोजिशनल एवरेज होते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी मैचिंग लिस्ट के रिगार्डिंग आया है, मैचिंग लिस्ट, जिसमें आपको बताना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो मीडियन मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, Q3 - Q1 - 2 मीडियन अपॉन Q3 - Q1, P90 + P10 - 2P50 / P90 - P10, कैली कोफिशिएंट, बाउलेज मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये आपके सामने लिस्ट है स्टूडेंट्स, फटाफट बताओ कि किसने कौन सा दिया था, कमेंट करके फटाफट बताओ। क्या आंसर रहेगा, मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, Q3 - Qm। हरी अप स्टूडेंट्स, हाई लेवल नहीं है,
अब एग्जाम में तो आपका हाई लेवल ही पूछा जाएगा, और हाई लेवल कैसे वो तो जब आप पढ़ोगे पढ़ोगे तो आपका जो आपको ये हाई लेवल नहीं लगेगा। अलाहाबाद कह रहे मैम क्वेश्चन काफी हाई लेवल के हैं, जब आप पढ़ लोगे जो आपका सिलेबस है उसको एक बार पढ़ोगे उनको समझोगे, हमारे यूट्यूब मीडियम के थ्रू हम भी आपको पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट, जब आप उन कॉन्सेप्ट को समझ लोगे पढ़ोगे अपनी तरफ से अपना 100% दोगे और फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो फिर आपको इन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हाई नहीं लगेगा। हो सकता है अभी तक आपने इनको इतना डीपली ना पढ़ा हो। ठीक है, तो प्रवेश कौर, प्रवेश कह रही हैं ए आंसर है, और अलाहाबाद गौतम, अलाहाबाद हब कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन है। तो देखते हैं हु इज द राइट, प्रवेश ने सही आंसर दिया या अलाहाबाद ने। लेट्स सी स्टूडेंट्स किसका राइट आंसर है। ए का थर्ड है, ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, मैं अड़ रही हूँ क्या सामने? चलो मैं साइड में हो जाती हूँ। बाउले ने दिया था आपका क्वार्टाइल के रिगार्डिंग, और केली ने दिया था आपका परसेंटाइल के रिगार्डिंग स्क्यूनेस का फॉर्मूला। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ आउटकम्स ऑन पेयर ऑफ डाइस इज इक्वल टू 8। हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दिखानी है। बढ़िया जी बढ़िया, बहुत अच्छे, आप भी रीजनिंग की क्लास पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड मुकेश कुमार, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ आउटकम ऑन पेयर ऑफ डाइस इज इक्वल टू 8। तो 8 की प्रोबेबिलिटी आने के क्या क्या चांसेस है वो हमसे पूछा गया है। तो 8 की प्रोबेबिलिटी, एक तो 4 और 4, 5, 3, 3 एंड 5, 6 एंड 2, 2 एंड 6, मतलब ये हमारे सम ऑफ आउटकम है जो हमारी पेयर एक किसी भी डाइस के पेयर पर आ सकते हैं, कि जो एक डाइस है, एक डाइस के क्या है दो पेयर है और उन दो पेयर पे क्या है सम ऑफ आउटकम, कि अगर पहली डाइस पे उस पे 4 आ जाए दूसरी पे 4 आ जाए तो आपका क्या सम बनेगा 8 बनेगा, पहली पे आपका 5 आ जाए दूसरी पे 3 आ जाए तो भी आपका 8 सम बनेगा, पहली डाइस पे 3 आए दूसरी पे 5 आए तो भी आपका जो टोटल है वो क्या रहेगा 8, ऐसे 6 रहे 2 रहे 8 एंड 8, तो यानी कि आपके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हुए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 अपॉन, और दो डाइस हैं आपकी तो 6 × 6 = 36। तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, प्रवेश का बिल्कुल सही आंसर आया है आंसर 2, 5 upon 36, 5 upon 36 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, कि इनमें से हमारी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे इनमें से कौन कौन से हैं। अलाहाबाद का बिल्कुल सही आंसर है 5 by 36, इनमें से हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं ये हमसे पूछा गया है। मैन विटने यू टेस्ट, क्रुक्शाल वॉलिस टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट एंड काइस्केर टेस्ट। आंसर आपके सामने गिवन है, ऑप्शंस ए बी एंड ई, ए बी सी, ए बी सी एंड ई, ए बी सी डी एंड ई। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट हरी अब कौन सा आपका सही आंसर है, कौन कौन से आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। प्रवेश गौतम कह रहे हैं ऑल आर नॉन पैरामेट्रिक,
बाकी स्टूडेंट्स बताओ परवेश सही कह रहे हैं गलत है? देखो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, मधु का आंसर आया आंसर वन, मधु का आंसर आया आंसर वन, बिल्कुल सही। ए मैन विटने टी टेस्ट, यू टेस्ट, क्रुक्शाल वॉलिस टेस्ट एंड काई स्केयर टेस्ट, ये आपके क्या है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। एफ टेस्ट और टी टेस्ट आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है। पहले गाइज ये समझो कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिनके लिए आपको किसी टाइप की कोई अजम्पशंस लेने की नीड नहीं होती है। ऐसे टेस्ट जिसके लिए आपको कोई अजम्पशंस लेने की नीड नहीं होती है वो टेस्ट आपके क्या कहलाते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। और वो कौन कौन से, हमारे मैन विटने यू टेस्ट, क्रुक्साल वॉलिस टेस्ट एंड काई स्केयर टेस्ट, ये तीनों टेस्ट आपके क्या है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। एफ टेस्ट और टी टेस्ट क्या हैं आपके पैरामेट्रिक, ये दोनों आपके क्या हैं पैरामेट्रिक, इनके लिए क्या है आपको बहुत ज़्यादा अजम्पशंस लेनी पड़ती है। तो ए बी एंड ई इज योर करेक्ट आंसर, मधु का बिल्कुल सही आंसर आया, वेल डन मधु। अलाहाबाद आई थिंक वन बिल्कुल सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, कि हमारा जो सेकेंडरी डेटा है, परवेश गौतम क्या समझ नहीं आया? हाँ जी टी टेस्ट में अजम्पशंस लेते हैं, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि वो टेस्ट जिसमें हम बहुत ज़्यादा अजम्पशंस लेते हैं वो टेस्ट हमारे होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। जिन टेस्ट में हम क्या करते हैं बहुत ज़्यादा अजम्पशंस लेते हैं, जो हमारी अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो हमारे अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं वो टेस्ट हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, और जिसमें हमें किसी टाइप की कोई अजम्पशंस लेने की नीड नहीं होती है वो हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। अब समझ में आया परवेश? टी टेस्ट में बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, जेड टेस्ट है, इन सभी टेस्टों में हम क्या करते हैं हम अजम्पशंस लेके चलते हैं और उन अजम्पशंस के बेस पर ही अपने रिजल्ट्स निकालते हैं। तो टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट आपके पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा का सोर्सेज जो नहीं है, सेकेंडरी डेटा का जो सोर्सेज नहीं है। सेकेंडरी डेटा कौन से होते हैं जो ऑलरेडी हमें पब्लिश, मतलब जिनके लिए हमें कोई खास एफर्ट नहीं करने होते, जो हमें ऑलरेडी मिल जाते हैं, जो हमें ऑलरेडी मिल जाते हैं, ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, वो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है। तो इनमें से हमारे कौन से सेकेंडरी डेटा नहीं है ये हमसे पूछा गया है। इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, अनपब्लिश्ड एंड एनुअल रिपोर्ट। तो गाइज इनमें से अनपब्लिश्ड और थीसिस तो आपकी क्या है सेकेंडरी डेटा है, लेकिन जो आपके इंटरव्यू है, क्वेश्चनेयर है और ऑब्जर्वेशन है ये आपके सेकेंडरी डेटा नहीं होते हैं। बिल्कुल 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 आप सही हो, मधु का आंसर आया वन। अलाहाबाद अब कह रहे हैं मैम टू, एम आई करेक्ट? आंसर होगा इसका इंटरव्यू, क्वेश्चनर एंड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू ऑन द स्पॉट होता है, उसमें नहीं पता होता कि हमसे क्या क्वेश्चन की जाएगी कि क्या नहीं, तो इनके बारे में हम क्या है सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं सिर्फ आइडिया। जो क्वेश्चन हो रहा है वो भी ऑन द स्पॉट फिल किए जाते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन है जो भी सिचुएशंस चल रही हैं हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज नहीं है, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, क्योंकि ये क्या है हमारे, क्योंकि ये तीनों के तीनों हमारे क्या है प्राइमरी डेटा है, ये क्या है हमारा प्राइमरी डेटा, और ये दोनों हमारे क्या है सेकेंडरी डेटा। तो फोर्थ आंसर
ए बी एंड सी. फोर्थ ऑप्शन है आपका ए बी एंड सी. ए बी एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन आइडेंटिकल अजम्पशंस. कि जो टी टेस्ट है और एफ टेस्ट है वो आपकी किसी आइडेंटिकल सेम अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं. बिल्कुल सही बात है. ये जो आपके टी टेस्ट है और एफ टेस्ट है वो क्या होते हैं, आपके आइडेंटिकल अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं. सेकेंड में क्या है, टी टेस्ट इज यूज फॉर कंपेरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स, वेयर एज एफ टेस्ट इज यूज फॉर कंपेरिजन बिटवीन मोर देन टू ग्रुप्स. कि जो आपका टी टेस्ट है वो तो दो ग्रुप में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो एफ टेस्ट है वो आपका दो से ज़्यादा ग्रुप में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये आपके पास स्टेटमेंट्स और पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. जबकि दोनों के दोनों जो हमारी स्टेटमेंट्स है वो क्या है, बिल्कुल सही है. ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है कि टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों हमारे आइडेंटिकल. क्या एक्सप्लेन करना है बोलो. जो हमारा टी टेस्ट है और एफ टेस्ट है दोनों के दोनों हमारे आइडेंटिकल अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड करते हैं, बिल्कुल सही है. और टी टेस्ट हमारा दो ग्रुप में कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है, और एफ टेस्ट हमारा दो से ज्यादा ग्रुप में कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है. तो इसलिए आपका आंसर है बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. प्रियंका का आंसर आया आंसर वन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है. वेल डन प्रियंका, बहुत सही जा रहे हो, बहुत अच्छे से आप रिस्पॉन्स कर रहे हो सभी स्टूडेंट्स. तो आंसर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रमोटिंग टीम स्पिरिट, हारमोनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ. कि ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी हारमोनी और टीम स्पिरिट को इंक्रीज करना, उसको प्रमोट करना, इनमें से किस प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है. ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो संस्था है उस संस्था में जो हमारी टीम स्पिरिट है, टीम स्पिरिट को प्रमोट करना, हारमोनी को और यूनिटी की सारे के सारे मिलकर काम करें, एक यूनिटी में काम करें, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ये हमसे पूछा गया है. तो ऐसा हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है हमारा स्पिरिट द कॉर्प्स. वो है हमारा स्पिरिट द कॉर्प्स. स्पिरिट द कॉर्प्स ये प्रिंसिपल हमें कहते हैं कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम यूनिट से, एक टीम स्पिरिट से, एक यूनिटी बना के क्या करना है, काम करना है. क्या करना है, हमें काम करना है. तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. इक्विटी नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी प्रिंसिपल तो आपका क्या कहता है, इक्विटी प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबको इक्वल लेवल पे रखना चाहिए, उन सबको हमें इक्वल लेवल पर रखना चाहिए. मधु जी का बिल्कुल सही आंसर है आंसर थर्ड, बिल्कुल सही आंसर है आपका. स्पिरिट द कॉर्प्स आपका क्या कहता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट, हारमोनी और यूनिटी को बढ़ावा देना चाहिए, स्पिरिट द कॉर्प्स. और इक्विटी क्या कहती है, इक्विटी कहती है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको इक्वली लेकर चलना चाहिए. तो आंसर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट शोज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रोसेस. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी हो, स्ट्रक्चर हो और मैनेजमेंट प्रोसेस हो, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में होता है. ऑप्शंस आपके फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन और हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन. हरी अप गाइस, फटाफट आंसर कमेंट करो कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रक्चर होता है और मैनेजमेंट प्रोसेस सभी के लिए क्या एक यूनिक कॉम्बिनेशन. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो, हमारी फ्री फॉर्म, वर्चुअल, नेटवर्क और हॉरिजॉन्टल.
हरी अप गाइस, फटाफट आंसर कीजिए ये। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, सौरभ मिश्रा कह रहे हैं सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत देर बाद आंसर किया सौरभ आपने, क्या बात। मधु भी कह रही हैं सेकंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। मधु भी कह रही हैं सेकंड इज द राइट आंसर, बट लेट सी हु इज द राइट। सौरभ और मधु ने बिल्कुल सही आंसर दिया या नहीं दिया, जस्ट चेक आउट। आपका आंसर है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो वर्चुअल और नेटवर्क दोनों का मीनिंग हम क्या है, एक ही लेके चलते हैं, लेकिन जो UGC है, NTA है, उसने इसका जो आंसर है वो क्या दिया है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो जो हमारा वर्चुअल और नेटवर्क है दोनों का मीनिंग एक ही होता है, वर्चुअल भी वही है, नेटवर्क भी वही है, राइट। लेकिन जो NTA है, ओके जी ओके, जरूर देखना लाइव क्लास को, देखना भी, लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करो, और आपने अगर आप सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो आप चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक। तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द जॉब अफेक्ट्स पीपल एंड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय देम एंड नॉट बाय मैनेजमेंट अलोन इज द मेन प्रोपोजिशन ऑफ। कि इन चारों थ्योरीज में से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी है, इनमें से कौन सी थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, वो सोशल एनवायरनमेंट हमारे पीपल की जॉब को भी अफेक्ट करता है और पीपल भी उससे अफेक्ट होते हैं। कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो सोशल एनवायरनमेंट है, वो सोशल एनवायरनमेंट हमारे जॉब को भी अफेक्ट करता है और हमारे जॉब को भी अफेक्ट करता है और हमारी जो पीपल है वो भी सोशल एनवायरनमेंट से क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। ऐसा कौन सी प्रोसेस, ऐसी कौन सी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें कहती है। वेल डन सौरभ, वेल डन, आपने सब्सक्राइब कर लिया था। सौरभ मिश्रा कह रहे हैं सेकंड सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अलाहाबाद हब कह रहे हैं थर्ड नहीं। नियो क्लासिकल जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नियो क्लासिकल जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कहते हैं कि जो सोशल एनवायरनमेंट है वो हमारे जॉब को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और जो पीपल है वो भी हमारे जॉब से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि जॉब को अफेक्ट करने के लिए हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है वो है, और जो पीपल है वो भी हमारे इससे क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो आंसर फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, आंसर फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कहती है गाइज। सौरभ और मधु दोनों कह रहे हैं कि सेकंड इज द राइट आंसर, लेकिन सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कहती है। थैंक यू गाइज, आप सबने सब्सक्राइब किया हुआ है। बाय जी बाय, टाटा, वेलकम अगेन। जरूर देखना वीडियो को, लाइक करना, शेयर करना। तो सोशल एनवायरनमेंट जो कि हमारे जॉब को क्या करती है, अफेक्ट करती है, और हम भी उससे अफेक्ट होते हैं, ऐसा कौन सी थ्योरी कहती है, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर इज फोर्थ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मोटिवेशन फोर्स एंड लेवल ऑफ एफर्ट्स इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस इज प्रोपाउंडेड बाय। जो हमारा मोटिवेशन फोर्स है, लेवल ऑफ एफर्ट्स है, वो हमारा सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस के इक्वल नहीं होता है। ऐसा किस थ्योरी में दिया गया है कि हमारा जो मोटिवेशन फोर्स है और जो लेवल ऑफ एफर्ट्स है इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन, हमारी सेटिस्फेक्शन के इक्वल नहीं होता है, ऐसा किसने कहा है। पोर्टर लॉलर मॉडल, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी। फटाफट स्टूडेंट्स हरी अप कमेंट करके बताओ, ऐसा कौन सी थ्योरी कहती है, कौन सी थ्योरी कहती है।
ऐसा थ्यू ऐसा हमारी कहती है पोर्टर लालर मॉडल। पोर्टर मॉडल हमें क्या कहता है कि हमारा जो मोटिवेशन फोर्स है और जो लेवल ऑफ एफर्ट्स है वो हमारे सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस के इक्वल नहीं होता है। जी नहीं, एक्स और वाई थ्योरी नहीं ये कहती। एक्स और वाई थ्योरी तो हमारी ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट को लेके चलती है। एक्स और वाई थ्योरी हमारी क्या लेके चलती है? जी बिल्कुल, एक घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे बिल्कुल। आज हम ये जो हमारे क्वेश्चन हैं इन सबको कंप्लीट करके जाएंगे, डोंट वरी। प्रियंका झा कह रही हैं फोर्थ एडम्स इक्विटी थ्योरी नहीं, एडम इक्विटी थ्योरी भी ये नहीं कहती है। पोर्टर मॉडल हमें कहता है कि हमारे जो लेवल ऑफ एफर्ट्स और जो हमारा मोटिवेशन का एफर्ट्स है वो हमारे सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस के इक्वल नहीं होता है। पोर्टर मॉडल इज योर करेक्ट आंसर। पोर्टर मॉडल इज योर करेक्ट आंसर, आंसर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट आउट द गिवन स्टेटमेंट्स द इम्पोर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स दैट अ बिजनेस शुड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? ठीक है जी, ठीक है, आज हम ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को पूरा करके जाएंगे, डोंट वरी, बने रहिए आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस के जो एथिकल प्रिंसिपल्स है वो इनमें से क्या क्या हैं। बिजनेस के एथिकल प्रिंसिपल्स, बिजनेस के एथिकल प्रिंसिपल इनमें से क्या क्या है ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट है टू टेक द नेसेसरी एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंसर्न इंडस्ट्री एंड बिजनेस, कि जो हमारा इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कदम उठाना, ये एथिकल प्रिंसिपल है। सेकंड ऑप्शन है पे टैक्सेस एंड डिस्चार्ज अदर ऑब्लिगेशंस, कि जितने भी हमारे टैक्स है बिजनेस के ऊपर जितने भी टैक्स लगते हैं उन सभी टैक्सेस को पढ़ाना, उनको पे करना और उनको डिस्चार्ज करना टाइम टू टाइम। थर्ड ऑप्शन है टू एंश्योर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, ये हमारा एथिकल प्रिंस अलग रखना, और हमारे कस्टमर्स को टाइमली पेमेंट करना, सप्लायर्स को करना, एंड इंश्योर पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको साथ उनको टाइम पे पेमेंट करना, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना। सौरभ मिश्रा का आंसर आया है थर्ड, मधु का भी आंसर आया है थर्ड। सो लेट्स सी, मधु एंड सौरभ आप मुझे ये बताओ कि आप जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस का ये एथिकल नहीं है, ये एथिकल प्रिंसिपल नहीं है क्या? कोई भी जो बिजनेस है उसका ये एथिकल प्रिंसिपल नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से बिहेव करे, अच्छे से ट्रीट करे और उनकी क्या करे, टाइम पे पेमेंट करे? बताओ स्टूडेंट्स। सौरभ मिश्रा और मधु यादव आप कह रहे हैं कि थर्ड इज द राइट आंसर। तो क्या एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट करना और उनको फेयरली वेजेस की पेमेंट करना क्या ये बिजनेस के एथिकल प्रिंसिपल्स में नहीं आता है? टेल मी स्टूडेंट्स, हरी अप, आपने थर्ड जो आंसर दिया वो किस बेस पे दिया है? सो लेट सी वट इज द आंसर। आता है ना, सौरभ मिश्रा कह रहे हैं आता है, तो फिर आप थर्ड आंसर कैसे कह रहे हो? तो अपने एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट करना, उनको फेयरली वेजेस देना, ये भी हमारे बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एथिकल प्रिंसिपल है, तो ये तो आपका डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर, जिसमें आपका बी टैक्सेस को पे करना, जितने भी टैक्सेस है बिजनेस का एथिकल जो प्रिंसिपल है वो क्या है, टैक्सेस को पे करना और जितने भी ऑब्लिगेशन है उनको टाइम पे पेमेंट करना।
जो सीक्रेट किकबैक्स है उनसे रेफ्रेन करना और पे ऑफ टू कस्टमर्स सप्लायर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, कि जो हमारे कस्टमर्स हैं हमारे सप्लायर्स हैं उनको टाइमली पेमेंट करना और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेमेंट करना. तो बी डी एंड ई इज द एथिकल प्रिंसिपल दैट अ बिजनेस मस्ट फॉलो. तो सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर. हाँ जी अलाहाबाद जी, क्या क्वेश्चन है आपका पूछिए. एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन के लेखक, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक आपको बताने हैं. जस्ट अ मिनट. एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक हैं आपके थॉमस रॉबर्ट माल्थस इज योर एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक हैं आपके थॉमस रॉबर्ट माल्थस. मधु जी का भी आंसर आया आंसर थर्ड. देखते हैं जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिस्कल मॉनिटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी. हमें मैचिंग करना है, ये आपके सामने लिस्ट है, हमें मैचिंग करना है कि फिस्कल मॉनिटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी होती है इकोनॉमिक पॉलिसीज. फिस्कल मॉनिटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अवर इकोनॉमिक पॉलिसीज. सोशल ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स सेवरल स्टेक होल्डर्स. देखो गाइस इसमें क्या है, आपकी लिस्ट गिवन है फिस्कल मॉनेटरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है. तो ए का आएगा आपका फोर्थ. अब जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या सिर्फ ए की ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन जिसमें हमारा ए का क्या है फोर्थ है. मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमारे लिस्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे लिस्ट दी होती है हमें मैचिंग करनी होती है, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें आप अगर आपको एक चीज़ भी पता हो तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो. तो ऐसा ही है ये क्वेश्चन. इसमें क्या सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि फिस्कल मॉनिटरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस में आती है, हमारी इकोनॉमिक में. और यह ऐसा हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ जिसमें का हमारा क्या है फोर्थ. तो डेफिनेटली आपका जो आंसर फोर्थ है वो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर. फोर्थ इज़ योर करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटीट्यूड बेस्ड ऑन बिलीफ ओपिनियन एंड नॉलेज. एटीट्यूड बेस्ड ऑन बिलीफ ओपिनियन एंड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट विच द एम्प्लॉय पोजेस इज बिहेवियरल एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉग्निटिव एटीट्यूड और अफेक्टिव एटीट्यूड. तो इसका आंसर है कि ऐसे एटीट्यूड जो हम किसी बिलीफ पे, किसी ओपिनियन पे या हमारी नॉलेज या किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे बनाते हैं, जो हमारा बिलीफ है, जो हमारा ओपिनियन है, जो हमारी नॉलेज है, ठीक है, वो हम किसी न किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो हम बनाते हैं वो एटीट्यूड हमारा किसका होता है, बिहेवियरल, पॉजिटिव, कॉग्निटिव या अफेक्टिव. तो आंसर है आपका कॉग्निटिव एटीट्यूड. क्या है वो आपका कॉग्निटिव एटीट्यूड. मधु एंड सौरभ आंसर है आपका कॉग्निटिव एंड कॉग्निटिव एटीट्यूड. कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है, जो आपकी मेंटल लेवल है, जो आपकी सोचने समझने की शक्ति है, कॉग्निटिव लेवल है जो आपका, उस मेंटल लेवल पर आपके जो बिलीफ बनते हैं, आपकी जो ओपिनियन और नॉलेज बनते हैं वो उसके बेस पर आपकी, मतलब आपकी जो सोच है, आपकी क्या है सोच है, आपकी सोच के बेस पर आप अपने जो बिलीफ ओपिनियन बनाते हो, अपनी थिंकिंग के बेस पे आप जो अपने ओपिनियन या नॉलेज बनाते हो
वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके कॉग्निटिव, ना कि आपके बिहेवियरल, बिहेवियरल नहीं होते। बिहेवियरल का मतलब जो हमारे बिहेवियर को देख के हम बनाए, कि किसी पर्सन का बिहेवियर हमने देखा या हमारे बिहेवियर के बेस पे हमने किसी को बिलीव किया, अपने बिहेवियर के बेस पे हमने किसी का ओपिनियन किया, वो नहीं है। बल्कि हमारी जो सोच है, हमारा जो मेंटल लेवल है, हमारी जो थिंकिंग है, उसके बेस पे हम जो बिलीफ, ओपिनियन और नॉलेज बनाते हैं वो होते हैं हमारे कॉग्निटिव एटीट्यूड, वो होते हैं हमारे कॉग्निटिव एटीट्यूड, कॉग्निटिव एटीट्यूड। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के इनमें से क्या क्या इवेंट हैं हमसे ये पूछा गया है। फर्स्ट है कस्टमर ओरिएंटेशन एंड एम्प्लॉय पॉलिसीज, बिल्कुल सही कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का ये हमारा इवेंट होता है कस्टमर को ओरिएंट करना और एम्प्लॉय की पॉलिसीज बनाना। क्वालिटी ओरिएंटेशन डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग, बिल्कुल सही है, क्वालिटी को ओरिएंट करना, डायरेक्ट करना, मोटिवेटिंग स्टाइल्स भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पार्ट है। डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सोसाइटी, ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, डिसीजन बनाना, प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबल बनाना। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन टू कॉम्पिटिटर एंड ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स नेशन, कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए रिएक्शन देना और हमारे नेशन के लिए ग्रेटिट्यूड देना, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा रोल एम्बिगिटीज ट्रेड यूनियन एंड पॉलिसीज, ये हमारा नहीं होता, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का ऑप्शन नहीं है, ये हमारा कल्चर ऑप्शन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का इवेंट नहीं है। ये हमारा क्या है, कस्टमर ओरिएंटेशन भी है, क्वालिटी ओरिएंटेशन, डिसीजन मेकिंग भी, रिएक्शन टू कॉम्पिटिटर भी। तो आंसर है आंसर फोर्थ, ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी इज योर करेक्ट आंसर, ए बी सी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। मधु का बिल्कुल सही आंसर आया आंसर फोर्थ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर को ओरिएंट करना, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाना, उनको मोटिवेट करना, उनको डायरेक्शन देना, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिसीजंस लेना, अपने नेशन के लिए ग्रेटिट्यूड रखना, रिएक्शंस करना, ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के क्या है, पार्ट है। लेकिन रोल एम्बिगिटीज, रोल एम्बिगिटी यानी कि हमें क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ पर कैसे है, ट्रेड यूनियंस और पॉलिसीज, हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का ये पार्ट नहीं कि हम ट्रेड यूनियन को भी लेके चले। दी आंसर फोर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक डिमांड्स जनरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स टू अ प्रॉब्लम। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक क्या करती है, जनरेशन करती है किसकी, अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव टू अ प्रॉब्लम। फोर्थ वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा है, साइज थोड़ा छोटा कीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेन जो स्टॉर्मिंग टेक्निक है वो क्या करती है, जनरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव टू अ प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। रीजन क्या गया, पार्टिसिपेंट्स जनरेट एज मैनी अल्टरनेटिव एज पॉसिबल विदाउट इवेल्युएटिंग दैम इन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस। जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि गाइस जो हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक होती है, उस ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं कि आपको एक कोई भी आपको एक कॉन्सेप्ट दे दी जाती है, और उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपको क्या है, आपके माइंड में जितनी भी चीज़ें आती हैं आपको वो सब बतानी होती है। ठीक है, जितनी भी आपके पास क्या आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, उन सभी आइडियाज़ को आपको क्या करना है, ये मेनली हमारी मैनेजमेंट की ये क्या है, टेक्निक है, जिसके रिगार्डिंग हम क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट असर्शन, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स एज मैनी अल्टरनेटिव्स एज पॉसिबल विदाउट इवेल्युएटिंग देम इन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, बताओ गाइज। सौरभ मिश्रा कह रहे हैं फोर्थ इज द राइट आंसर। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर कीजिए, क्या लग रहा है आपको। मधु कह रही है आंसर टू। गाइज मैंने अभी अभी आपको बताया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है वो बिल्कुल सही है जो ऊपर लिखा है, लेकिन इसका जो रीजन दिया गया है कि पार्टिसिपेंट जनरेट एज मैनी अल्टरनेटिव एज पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है, वो एक लिमिट
लिमिटेड दायरे में ही क्या है अपने जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको जनरेट कर सकते हो। कि ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक में क्या होता है कि आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्या है अल्टरनेटिव्स देने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं। तो उसमें आप इतना टाइम नहीं होता कि आप जितने ज़्यादा अल्टरनेटिव पॉसिबल है उतने ही ज़्यादा उनको दे, और वो भी उनको बिना इवेल्युएशन के। जबकि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक में जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उन सबको क्या करते हैं इवेल्युएट करते हैं, क्या करते हैं उनको इवेल्युएट करते हैं। तो सेकेंड आपकी सही नहीं है, सेकेंड आपकी सही नहीं है। तो आंसर वन स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो क्लोजली रिलेटेड जॉब इवेल्युएशन परफॉर्मेंस अप्रेजल आर नॉट द सेम। क्या कहा गया है कि जॉब इवेल्युएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारे बिल्कुल सेम नहीं होते, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या क्लोजली रिलेटेड होते हुए भी ये दोनों आपस में क्या है सेम नहीं होते। बिल्कुल सही बात की गई है कि जॉब इवेल्युएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों हमारे बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या हमारे सेम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपके बिल्कुल सही है। सेकेंड हमें गिवन है, द पर्पज ऑफ जॉब इवेल्युएशन इज टू फिक्स द रेमुनरेशन अदर रेलिवेंट बेनिफिट्स। कि जॉब इवेल्युएशन है उसका जो मेन पर्पज है वो क्या होता है इज टू फिक्स द रेमुनरेशन, रेमुनरेशन को फिक्स करना और जो अदर रेलिवेंट बेनिफिट्स है उनको फिक्स करना। तो बताओ स्टूडेंट्स, क्या जॉब इवेल्युएशन का पर्पज सिर्फ और सिर्फ रेमुनरेशन को फिक्स करना होता है? क्या स्टेटमेंट सेकेंड भी सही है या गलत है? गाइज फटाफट बताओ क्या आंसर रहेगा। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इनकरेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अब क्या आंसर है इसका? मधु कह रही हैं आंसर थर्ड। आंसर थर्ड नहीं है, क्योंकि जो आपकी जॉब इवेल्युएशन है उसका ये काम भी होता है। वो बात सही है कि सिर्फ और सिर्फ जॉब इवेल्युएशन का सिर्फ रेमुनरेशन को और रेलिवेंट बेनिफिट्स है उनको ही डिसाइड करना ही सिर्फ पर्पज नहीं होता, इसके अलावा और भी पर्पज होते हैं। लेकिन क्या है, रेमुनरेशन को फिक्स करना और अदर रेलिवेंट बेनिफिट्स को फिक्स करना भी जॉब इवेल्युएशन का ही पार्ट है। जॉब इवेल्युएशन में हम सिर्फ और सिर्फ रेमुनरेशन को और अदर रेलिवेंट बेनिफिट्स को ही फिक्स नहीं करते, बल्कि और एक्टिविटीज़ भी हमारी क्या है उसमें शामिल इंक्लूड की जाती है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही तो है, क्योंकि सिर्फ वो ही उसका पार्ट नहीं है, हम उसमें रेमुनरेशन को फिक्स भी करते हैं और अदर रेलिवेंट बेनिफिट्स हैं उनको भी लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू रिफॉर्म इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड। कि हमारे जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो नए रिफॉर्म्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन, बैंकिंग कंसोलिडेशन, बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, एजेंसी वर्क। बताओ स्टूडेंट्स कि हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो नए रिफॉर्म आए हैं वो नए रिफॉर्म कौन कौन से हैं? बैंकिंग ऑपरेशंस का डिजिटाइजेशन, बैंकिंग कंसोलिडेशन, गवर्नमेंट से बोरो करना और एजेंसी वर्क। ऑप्शंस है आपके ए एंड बी, सी एंड डी, बी डी ई, ए सी डी। हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, फटाफट बताओ कि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो नए रिफॉर्म आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? फर्स्ट आया है एक तो डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। डिजिटाइजेशन जो हमारे बैंक के ऑपरेशंस है अब हम उनको क्या कर सकते हैं, डिजिटल वे में कर सकते हैं। जितने भी हमारे बैंकिंग के ऑपरेशंस है, आपको अपना अकाउंट ओपन कराना है तो भी आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, आपको कोई पेमेंट करनी है तो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, कोई डिडक्शन करनी है तो भी, हर एक चीज़ आप क्या ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। बैंकिंग कंसोलिडेशन, आपने रिसेंटली सुना होगा कि बहुत सारे जो बैंक है उनको मर्ज करके
कुछ एक बैंक जो बहुत सारे बैंक है उनको क्या है, कुछ एक बैंकों में मर्ज कर दिया गया है, कि जैसे PNB है, UBI है, इन सबको, जो हमारे इंडियन ओवरसीज बैंक है इन सबको क्या है, PNB में UBI में क्या किया गया, इनको मर्ज किया गया है। तो बैंकिंग कंसोलिडेशन भी आया है हमारा, एजेंसी वर्क तो हमारा पहले ही होता था, और गवर्नमेंट से बोरो करना वो भी हमारा पहले होता था। तो अभी जो नए रिफॉर्म आए हैं वो कौन से आए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दो, सिर्फ डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन और बैंकिंग कंसोलिडेशन, ये दोनों हमारे क्या है, नए रिफॉर्म आए हैं। क्योंकि एजेंसी वर्क और बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, ये काम हमारे पहले भी होते थे बैंकिंग में, हमारे ये दोनों के दोनों जो काम है पहले भी होते थे, लेकिन डिजिटलाइजेशन और बैंकिंग का कंसोलिडेशन ये अभी हाल ही में हमारा हुआ है, ये हाँ क्या है, हमारा अभी हाल ही में हुआ है। तो इसका आंसर आएगा आंसर फर्स्ट A&B, आंसर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। क्योंकि अभी बैंकिंग में सिर्फ यही दो रिफॉर्म आए हैं कि एक तो इनका कंसोलिडेशन हो गया और सेकंड डिजिटलाइजेशन हो गया है हमारे बैंकिंग के ऑपरेशंस का। तो आंसर वन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडिसेसर ऑफ IRDA एक्ट 1999, कि IRDA एक्ट पहले क्या था, यानी कि किस एक्ट को, इनमें से किस एक्ट को खत्म करके IRDA एक्ट 1991 बनाया गया। IRDA एक्ट से पहले कौन सा एक्ट था, IRDA एक्ट 1999 से पहले हमारा कौन सा एक्ट था, इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956, मरीन इंश्योरेंस 1963, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। तो जो आपका क्या है इंश्योरेंस एक्ट है, इस इंश्योरेंस एक्ट पहले हमारा क्या होता था, इंश्योरेंस एक्ट होता था, और इस इंश्योरेंस एक्ट को ख़त्म करके ही हमारे पास कौन सा आया IRDA एक्ट 1999। पहले ये हमारा क्या होता था, इंश्योरेंस एक्ट 1938 होता था, और इस इंश्योरेंस एक्ट को ख़त्म करके ही कौन सा एक्ट हमारा बनाया गया, IRDA एक्ट। आंसर वन इज योर करेक्ट आंसर, आंसर वन इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम, कि हमारा जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उनमें से हमारा इसमें से किस किस को इंक्लूड किया जाता है, जो हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम में RTGS, डिमांड ड्राफ्ट, NEFT या चेक, इन चारों में से हमारी क्या है डिजिटल पेमेंट सिस्टम में किस किस को इंक्लूड किया जाता है। तो ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम में हमारा RTGS होता है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं होता है, NEFT होता है, चेक भी नहीं होता है। क्योंकि जो हमारा चेक है और जो डिमांड ड्राफ्ट है ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं फिजिकल, ये क्या होते हैं हमारे फिजिकली, जबकि RTGS और NEFT हमारे क्या होते हैं ऑनलाइन भी, आप इनको डिजिटल वे में भी आप इनको इन दोनों फंक्शंस को आप परफॉर्म कर सकते हो, RTGS और NEFT, RTGS एंड NEFT। तो आंसर है आपका आंसर थर्ड A&C, आंसर थर्ड A&C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलपत्ती राव कमेटी वॉज कंसिडर्ड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ, कि इनमें से किसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए चलपत्ती राव कमेटी का गठन किया गया था, इनमें से किस इनमें से किसकी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए चलपत्ती राव कमेटी का गठन किया गया था, किसके लिए किया गया था, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के लिए, कमर्शियल बैंकिंग के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, या फिर RRB के लिए। तो जो चलपत्ती राव कमेटी है उसको RRB के गठन के लिए क्या किया गया था, चलपत्ती राव कमेटी का गठन किया गया था किसके लिए, RRB के लिए, जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको उनको रिस्ट्रक्चर करने के लिए चलपत्ती राव कमेटी का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो आंसर फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, आंसर फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिडबी वाज सेट अप एज अ सब्सिडरी ऑफ IDBI, कि सिडबी क्या है हमारी, क्या है एक सब्सिडरी है किसका, IDBI का। सिडबी को किसके लिए सेटअप किया गया था, टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग IDBI, की IDBI जिन
फंक्शंस को कर रहा था उनको टेक ओवर करने के लिए, टेक ओवर दी वेंचर कैपिटल ऑपरेशंस ऑफ आईडीबीआई, रिकंस्ट्रक्ट एंड रिहैबिलिटेशन द स्टिक क्लोज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स फाइनेंस्ड बाय आईडीबीआई एंड फैसिलिटेट फाइनेंस एंड इम्प्रोमोट इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इनमें से किसके लिए जो सिडबी है उसको आईडीबीआई की एज ए सब्सिडरी यूज किया गया था, सेटअप किया गया था, बताओ स्टूडेंट्स हरी अप कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो जो सिडबी है उसको आईडीबीआई के जो स्मॉल बिजनेस रिलेटेड फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए सिडबी को दिया गया था। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, आंसर वन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शंस, आंसर आपका इसमें ऑलरेडी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, कि इंटरनेशनली अगर आपको क्या करना है मनी का ट्रांसफर करना है तो इनमें से आप किस मेथड को यूज करोगे। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर मनी का क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो आप इनमें से किस मेथड को यूज करोगे, इनमें से आप किस मेथड को यूज करोगे, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर मनी का ट्रांसफर करते हो तो किस मेथड का यूज किया जाएगा। तो वो आपका रहेगा, क्योंकि जो आरटीजीएस है ये भी विद इन कंट्री होता है, एनईएफटी भी विद इन कंट्री होते हैं, डीडी भी, ये हमारा फिजिकली है। तो जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट को हम इंटरनेशनल, अगर हमें मनी की पेमेंट करनी है तो इंटरनेशनल मनी पेमेंट करने के लिए, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही सौरभ मिश्रा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बेसल, इनमें से कौन सा हमारा बेसल के रिगार्डिंग सही नहीं है। इनमें से जो आपके ये चार ऑप्शंस दिए, इन चार ऑप्शंस में से आपका बेसल के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है। इनिशियली इट वाज नेम्ड एज कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। बेसल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ 15 कंट्रीज, ये सही नहीं है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ 1974, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हुआ आंसर टू, टू इज योर करेक्ट आंसर, टू इज योर करेक्ट आंसर। इनमें से क्या हमारी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से क्या हमारी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। हेज फंड्स आर नॉट म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स कैन बी सोल्ड टू पब्लिक, इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स मस्ट पे वेरियस फीस एंड एक्सपेंसिस, म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बताओ स्टूडेंट्स इनमें से क्या हमारा सही नहीं है। अभी बोलते हैं जी, अभी बोलते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली, बताओ स्टूडेंट्स हरी अप, जो भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट अपने आंसर्स दो, कमेंट करके बताओ, पैसिव मत बनो, एक्टिव रहिए क्लास में, क्योंकि ये मेरे यहाँ पर क्वेश्चन कराने का बेनिफिट सिर्फ तभी होगा जब आप भी साइड बाय साइड आंसर्स दोगे। अगर मैं ही यहाँ पर बोलती रहूँगी आपको पढ़ाती रहूँगी समझती रहूँगी और आप अगर आउटपुट नहीं दोगे तो वो रिजल्ट निकल कर नहीं आएंगे। तो आपका भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही ज़रूरी है। तो गाइज प्लीज़ कमेंट करके अपने ऑप्शंस दीजिए कि इनमें से कौन सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, कौन सी इनमें से हमारी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सौरभ मिश्रा कह रहे हैं आंसर वन, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। आंसर टू, हेज फंड्स कैन बी सोल्ड टू पब्लिक, हेज फंड्स को हम पब्लिक को सेल नहीं कर सकते हैं, हेज फंड्स को हम पब्लिक को सेल
नहीं कर सकते हैं, जो हमारे हेज फंड्स होते हैं उनको हम पब्लिक को सेल नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल ये भी आपकी सही है। हेज फंड्स आर नॉट म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स मस्ट पे वेरियस फीस एंड एक्सपेंसेस एंड म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये बिल्कुल सही है, ये आपकी सही नहीं है और वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर इन इंडिया रेंज बिटवीन, की जो क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर है इंडिया के अंदर वो कितना रहता है, क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर इंडिया के अंदर कितना रहता है, 300 to 900। सो आंसर टू इज योर करेक्ट आंसर। 300 to 900 के बीच इंडिया के अंदर जो क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर है वो कितना है, 300 to 900। पीटर एफ ड्रकर नोटेड द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। जो पी एफ ड्रकर है उसने सेलिंग और मार्केटिंग का इनमें से किसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है रिलेशनशिप बताया है, ये हमसे पूछा गया है। मार्केटिंग इज अ सब्सिडरी कॉम्पोनेंट ऑफ सेलिंग, नहीं। द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लोस, बिल्कुल सही। द एम ऑफ सेलिंग इज टू मेक मार्केटिंग सुपरफ्लोस। सेलिंग एंड मार्केटिंग आर असेंशियल द सेम थिंग। तो आंसर टू इज योर करेक्ट आंसर, आंसर टू इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। सौरभ मिश्रा बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तो गाइज आज हम यहीं तक अपने क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। यहाँ तक ही आज आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी हमसे कमेंट करके पूछिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे स्टॉप हो रही है, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम कल हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज एंड वेलकम अगेन।